वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू सो मच। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस प्रोडक्ट का रिव्यू, जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने आपके साथ अपनी लास्ट वीडियो में शेयर करी थी, जो की है डार्लिंग इजाबेला की लिपस्टिक। एंड ये जो है विद इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 ईयर्स की है, यानी 2019 की पैकेजिंग है एंड ये 2022 तक ऐसे ही चलेगी। एंड तो ये शेल्फ लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इसका जो प्राइस है वो भी बहुत रीजनेबल है, विद इन 125 की रेंज में आपको ये मिल जाता है। मैंने purple.com से मंगवाया है, आप चाहें तो वहाँ से इसको इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड इसको मंगवा कर चेक कर सकते हैं। एंड इसको बाय करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन होगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो ये जो लिपस्टिक है इसका जो शेड है वो है पॉइस पिंक रॉयल्टी 12। एंड इसका मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये टोटली सील्ड पैक आता है, मैंने इसका सील खोल दिया है क्योंकि मैंने इसको यूज करके देखा था, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो ये जो प्रोडक्ट है ये इस तरह की है, आप देख सकते हैं इसका शेड पिंकिश। मुझे ज्यादातर पिंक लिपस्टिक्स ही पसंद है, यही रीजन है कि मैंने ये पिंक ही चूज किया है। एंड ये जो लिपस्टिक है ये आपको इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो इसको अप्लाई करना बहुत आसान है, बहुत इजीली आपके लिप्स पे अप्लाई हो जाती है। प्लस आप जब आप इसको अप्लाई करते हैं आपके लिप्स से ना एक अजीब सी बहुत प्यारी सी हल्की सी लेकिन फ्रेग्रेंस आती है, जो कि नॉर्मली लिपस्टिक्स में नहीं होती, या अगर कई बार होती भी है तो बहुत अजीब सी होती है कई बार, तो वो नहीं है। बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, सो जब लगाते हैं तो अच्छा लगता है कि आपने अच्छी क्वालिटी यूज की है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं आपको इसका शेड अपने लिप्स पे ट्राई करके दिखाती हूँ। तो ये रही वो लिपस्टिक एंड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये लिपस्टिक। एंड ये बहुत इजीली लग जाती है आपके लिप्स पे। एंड आपको कई बार ऐसा होता है जब हम लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो उससे पहले हम अपने लिप्स पे कोई स्क्रब यूज करते हैं या फिर थोड़ा सा लाइक लिप ग्लॉस वगैरह लगाते हैं ताकि उसमें एक सॉफ्टनेस आ जाए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप ये लिपस्टिक यूज करें आप नॉर्मल लिप्स पे अपना कभी भी ये लिपस्टिक लगा सकते हैं, आपके लिप्स को ड्राई नहीं करता है, बहुत ज्यादा क्यूट सा लुक देता है एंड बहुत ज्यादा टैकी या पैची सा नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है कि आपके होंठ फटे फटे लगते हैं, वो चीज नहीं होती, बहुत ज्यादा स्मूथ है। हाँ ये ट्रांसफर प्रूफ, जैसे कि आप देख सकते हैं पिंक शेड आपको दिख रहा हो, ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, बट हाँ आप अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी पुरानी वीडियोस में कि आप नॉर्मल लिपस्टिक को कैसे ट्रांसफर प्रूफ बना सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आप इस तरह की किसी भी लिपस्टिक को ट्रांसफर प्रूफ बना सकते हैं। अगर नहीं देखी तो जाके देखो। एंड ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है एंड क्वालिटी वाइज बहुत बहुत अच्छी है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको बाय करनी है तो आप इसको जरूर बाय करें। एंड इसमें आपको आई थिंक और भी शेड्स मिल जाएंगे, मैंने पिंक यूज किया था बिकॉज आई लव पिंक एज अ लिपस्टिक, सो मुझे ये बहुत पसंद आया सो इसलिए मैंने ये बाय किया। आप कोई और शेड भी चाहे तो इसमें बाय कर सकते हैं, इसके बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से चेक करिए एंड अपने हिसाब से जो भी आपको लिंक लाइक आपको लिप शेड लेना है आप वो ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।